ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अमित शाह ने भविष्यवाणी उस वक्त की थी जब वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत की चुनावी पिच तैयार कर रहे थे। हुआ भी वही जो शाह ने कहा। आज बीजेपी की दो सबसे बड़ी ताकत, पहला नरेंद्र मोदी का चेहरा और दूसरा अमित शाह का चुनावी प्रबंधन। चार राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने सारे चुनावी विश्लेषण, सारे एग्जिट पोल पलट दिए, लेकिन नतीजे ठीक वैसे ही आए जो नंबर शाह ने बताए। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली, 48.6% वोट शेयर और 163 सीट मिली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सारे दावे फेल हो गए। बीजेपी का कमल खिला, 90 में से 54 सीटें और 46.3% वोट मिला। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप सभी लोग राम मंदिर बनाना चाहते हो ना? 22 जनवरी को मोदी जी के हाथ से अयोध्या में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो। राजस्थान में मोदी और अमित शाह ने गहलोत का जादू फेल कर दिया। शाह के चुनावी मैनेजमेंट से रेगिस्तान में कमल खिला। राजस्थान में बड़ी जीत मिली, 115 सीटें और 41.7% वोट मिला। तेलंगाना में बीजेपी शाह का चुनावी मैनेजमेंट का जादू चला। पहली बार तेलंगाना में बीजेपी वोट शेयर में दहाई का आंकड़ा छू पाई। तेलंगाना में 8 सीट और 13.9% वोट मिला। अभी अभी नया लाए कांग्रेस की 5 गारंटी, सुना है ना भाई? सुना है ना? मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है उनकी गारंटी का क्या भला? मोदी जी ने 9 साल के अंदर जो कहा था वो कर दिखाया है। बेशक इस जीत के हीरो नरेंद्र मोदी, जनता ने मोदी के चेहरे पर मैंडेट दिया, लेकिन मोदी को यह मैंडेट मिले इसे संभव अमित शाह के चुनावी मैनेजमेंट ने बनाया। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने बीजेपी कैडर को एकजुट किया। शाह ने महाराज और शिवराज मतभेद को दूर किया। मोदी के नाम पर सबको चुनाव लड़ने के लिए राजी किया। एक एक बूथ की डिटेल मंगवाई, युद्ध स्तर पर काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं कि शाह का फोकस सिर्फ मध्य प्रदेश पर था। शाह ने बैक टू बैक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रचार किया, चुनावी प्रबंधन का काम संभाला। राजस्थान में टिकट बंटवारे से लेकर सीएम का चेहरा डिक्लेयर ना करने का प्लान शाह ने भी बनाया। शाह चुनावी चाणक्य, आज के चुनावी समर के मूड और माहौल को बेहतर ढंग से समझते हैं, इसलिए मोदी भी शाह के मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा करते हैं। राजस्थान में बीजेपी के अंतर्कलह को शाह ने शांत करवाया। वसुंधरा और पार्टी के बीच की खाई को शाह ने खत्म किया। राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा। ग्राउंड पर कैडर और बूथ के हिसाब से प्लानिंग की। मोदी का मैसेज आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे इसकी व्यवस्थाएं की। राजस्थान में जब वसुंधरा अपने बागी नेताओं के चक्कर में पार्टी का प्रचार करने से कतराई, तो शाह ने मोदी और योगी जैसे स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। शाह ने राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेताओं की फौज उतारी, मोदी को चेहरा बनाया और राजस्थान में बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखाया। जब राजस्थान आना शुरू किया तब हमारे कुछ नेताओं ने मुझे कहा था कि साहब, सोच समझ कर रणनीति बनाना
गहलोत साहब जादूगर है, मगर मैंने आज पूरा दौरा करके मन बनाया है कि इन्होंने बहुत सारी चीजों को गायब किया है, नौकरियों को गायब किया है, खाने पीने की चीज को गायब किया है, अच्छी कानून और व्यवस्था को गायब किया है। अब जनता ने मन बना दिया है कि इस बार जनता जादूगर बनकर कांग्रेस सरकार को गायब कर लेने वाली है और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस क्या बल्कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी फिर सत्ता में लौटी। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने का आइडिया शाह ने दिया, सीएम फेस डिक्लेयर ना करने का शाह का आइडिया था, मोदी को चेहरा बनाना और बंपर रैलियों का प्लान भी अमित शाह का था। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन का ऐसा विजन दिखाया कि कांग्रेस की गारंटी छू मंतर हो गई। अमित शाह न सिर्फ चुनावी मैनेजमेंट में माहिर हैं बल्कि वो पार्टियों के लिए मंच भी संभालते हैं, अपने बयानों से विरोधियों की धज्जियां उड़ाते हैं। मुद्दा कोई भी हो, शाह जब बात करते हैं तो डेटा और डिटेल के साथ करते हैं, डिटेल ऐसी कि सुनकर विरोधियों को सांप सूंघ जाता है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचता है तो वो स्पॉट का नाम शिव शक्ति स्पॉट रखकर महादेव और शक्ति को प्रणाम करते हैं, और दूसरी ओर भूपेश कक्का सट्टे की ऐप का नाम, सट्टे की ऐप का नाम महादेव ऐप रखकर महादेव का अपमान करने का काम करते हैं। मैं आज बताने आया हूं भाई, गलती से भी भूपेश कक्का आ गया ना तो महादेव का नाम आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि महादेव का नाम आते ही भूपेश कक्का को डर लगता है कि पुलिस आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे के धंधे में लगाने का काम कर आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं फिर से कहता हूं भूपेश कक्का, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मोदी विरोधी हिंदी पट्टी में हाशिए पर, लेकिन दक्षिण में शाह ने अपनी चुनावी नीति से इसे भी कम किया। तेलंगाना में भी बीजेपी ने ताकत बढ़ाई। शाह के चुनावी मैनेजमेंट से बीजेपी ने तेलंगाना में कमाल किया। पहली बार विधानसभा में पार्टी का वोट प्रतिशत 2 अंकों में पहुंचा। पार्टी विधायक नंबर के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी ने तेलंगाना में कुल 8 सीटें जीती। इनमें से उसने 6 सीटों पर बीआरएस और 2 सीटों पर कांग्रेस को पटखनी दी। तेलंगाना को केसीआर ने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। ये बीआरएस नहीं है, बीआरएस का नाम है भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी समिति। मिशन भगीरथ घोटाला केसीआर सरकार ने किया, मियापुर भूमि सौदा घोटाला 4,000 करोड़ का केसीआर ने किया, कालेश्वरम परियोजना घोटाला केसीआर सरकार ने किया, शराब पिलाने के लिए हजारों करोड़ रुपया चाऊ कर शराब की गंगा तेलंगाना में बहा दी। उनके सांसद ने पोल्ट्री चारा घोटाला किया, मिशन कातकीय में 22,000 करोड़ का घोटाला किया। मित्रों, एक केसीआर सरकार ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि मैं सूची पढ़ने जाऊंगा तो 7 दिन तक मेरी सभा चलेगी। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की शुरू कि क्या 2028 के चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी। विधानसभा चुनाव के वोट शेयर में जिस तरीके से भगवा पार्टी ने बढ़ोतरी की, उससे संकेत तो यही है। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों से 24 ये पिक्चर क्लियर हो गई और अब अमित शाह 2024 की तैयारियों में है। शाह ने 24 का चुनावी शंखनाद बंगाल में किया। ममता के गढ़ में शाह ने फिर नागरिकता कानून की बात की। बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी अभी दीदी ने दूसरी बार
विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो, शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। शाह कुछ भी बेवजह नहीं करते, इस बात को जानते हैं कि हिंदी हार्टलैंड में मोदी हिंदू हृदय सम्राट है। बंगाल में बीजेपी के लिए पूरा स्कोप है, क्योंकि बंगाल में लगातार बीजेपी का नंबर बढ़ रहा है और इसलिए शाह अभी से 24 की तैयारी में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।